खापरखेड़ा के देहगा और रंगारी स्थित राजबाबा ढाबे के पीछे खेत में युवक की हत्या कर कुएं में लाश मिलने से खलबली मच गई। मिली जानकारी अनुसार सद्दाम हसुद्दीन खान उम्र 26 साल वार्ड नंबर 4 वलनी ऐसा मृतक का नाम बताया जा रहा है। सदर घटना में मृतक सिविल बांधकाम का काम करता था। वह 4-5 दिनों से घर से लापता था। उसकी परिवार वालों ने खापरखेड़ा थाने में मिसिंग की शिकायत दाखिल की थी। आज सोमवार को खापरखेड़ा पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक निमगढ़े और उनके राइटर मृतक के मिसिंग शिकायत के आधार पर जंगल शिवार झाड़ी झुपड़पट्टी ढूंढते ढूंढते कुएं की ओर देखने गए। उस कुएं में कचरा गाड़ी से लाश तभी थी। लाश की बदबू आने पर शक हुआ। टॉर्च के उजाले से देखा तो लाश दिखी। दोपहर 12:30 बजे दरमियान लाश को निकाला गया। अज्ञात आरोपियों ने युवक की धारदार शस्त्र से हत्या कर लाश को पत्थर बांधकर कुएं में फेंक जाने का प्राथमिक अंदाज घटनास्थल पर लगाया जा रहा था। जब लाश को बाहर निकाला गया तो गंदी बदबू आ रही थी। लाश पूरी तरह सड़ी गली जैसी होकर फूल गई थी। मृतक के सर और छाती पर 4-5 धारदार शस्त्र के घाव थे। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक और कोई शुक्ला नामक व्यक्ति के साथ काम में भागीदारी करता था। उसका कुछ दिन पहले दोनों में विवाद भी होने की चर्चा घटनास्थल पर दबी आवाज में हो रही थी। घर से लापता होने के कुछ दिन पहले सिलेवाड़ा महाराष्ट्र विद्यालय स्कूल में सुरक्षा दीवार का काम किया था। सदर घटना में खापरखेड़ा पुलिस ने पहले ही तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की है। इस पश्चात दो लोग फरार बताए जा रहे हैं। घटना को गंभीर अंजाम देते हुए नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ने भी घटनास्थल जाकर घटना का जायजा लिया। घटना में मिली सूत्रों की जानकारी अनुसार हत्या का गुण कायम रहते हुए मृतक और अज्ञात आरोपी मित्र थे और सदर घटना प्रेम प्रकरण के चलती हुई ऐसी चर्चा आम नागरिकों में दबी आवाज में हो रही थी। सदर घटना में घटना के अज्ञात आरोपियों की शोध मुहिम एवं घटना का मुख्य कारण पता करने में पुलिस जुटी है। PCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप कछबे की रिपोर्ट।